संविधान जो है वो फेडरल इन नेचर है. सो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. इलेक्शंस में लेट्स से कि बीजेपी आ जाती है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज ईशान त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू टू ई पेडागॉग. वी वर डूइंग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस. वी वर ऑन चैप्टर 2. वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2. टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश ऑफ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 2. चैप्टर में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में. आज हमारे को ये देखना है कि ये जो हम फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं या ये जो हम डिसेंट्रलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया के केस में ये कैसे हो रहा है. एक तो हो गया कि भाई हमारे संविधान जो है वो फेडरल इन नेचर है, ये हमारे को अच्छी तरीके से पता है. हमारे संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है कि ये फेडरल है इसलिए हमें फेडरलिज्म को फॉलो करना है. हमारे संविधान के प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जो बताता है कि हम फेडरल हैं. अगर सिर्फ संविधान के प्रोविजंस की बात की जाए तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ संविधान के प्रोविजंस में दे दिया गया इसीलिए हमारा देश फेडरल है. हमारे देश को फेडरल बनाता है उसकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि ये दिखा रही है कि हम फेडरलिज्म की तरफ हमेशा से रहे हैं, टिल्टेड रहे हैं और हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा हम कुछ किसी किसी नेचर ऑफ पॉलिटिक्स से समझेंगे, कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो कि प्रूव करेंगे कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है या फिर फेडरलिज्म और ज्यादा डीपन हुआ है. कैसे, लेट्स स्टार्ट. सो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यही चीज है जो हम आज पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला जो चीज बताता है कि हम फेडरलिज्म की तरफ हैं या फिर डिसेंट्रलाइजेशन हम फॉलो करते हैं वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. इसको समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि स्टेट्स की जरूरत क्या है या स्टेट्स की जो हम क्रिएशन करते हैं वो किस लिए की जाती है. भाई देखिए, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सोचने के लिए कि इसलिए कर सकते हैं, उसलिए कर सकते हैं, बट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस किस चीज की होती है? फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं. 6th A अलग बनाएंगे, 6th B अलग बनाएंगे. इनफैक्ट अगर और ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा तादाद में बच्चे हैं तो 6th C अनदर सेक्शन वी हैव टू क्रिएट. द पॉइंट इज, व्हाई आर वी क्रिएटिंग दीज मेनी सेक्शंस? द सेक्शंस आर बीइंग क्रिएटेड सो दैट द टीचर कैन टीच इफेक्टिवली, इफेक्टिव वे में एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके, इसीलिए स्टेट्स का क्रिएशन होता है. जितना बड़ा स्टेट होगा उतना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए डिफिकल्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए हम स्टेट्स का क्रिएशन करते हैं. आज अगर आप देखें तो इंडिया में आपको कुछ ऐसा पॉलिटिकल मैप नजर आएगा जहां पर आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु, केरला ऐसे स्टेट्स देखने को मिलेंगे. सवाल यह उठता है, क्या जब 1947 में हम लोगों को आजादी मिली तब भी ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वॉज लाइक दिस? नो, इट वॉजंट लाइक दिस. इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स आज की जो डेट में है वो पहले थे ही नहीं. जब हमारा संविधान बना तो उस केस में बहुत सारे स्टेट्स क्रिएटेड ही नहीं थे. उसके बाद क्या हुआ, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बाउंड्री को रीड्रॉ किया और हमने बाउंड्री रीड्रॉ करके हमने कुछ पॉलिटिकल स्टेट्स बनाए. और वो पॉलिटिकल स्टेट्स को बनाने का हमारा जो मेन रीजन था वो ये था कि ज्यादातर जो लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही स्टेट में फॉल करें. पर क्या सारी जगह यही इंप्लीमेंट हो रहा था? क्या सारी जगह यही अप्लाई हो रहा था? नहीं, कहीं कहीं पर ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी के लिए भी स्टेट्स का क्रिएशन किया गया था. इसके बाद क्या हुआ कि जब स्टेट्स का क्रिएशन हुआ तो बहुत सारे स्टेट्स से ये डिमांड आने लगी कि भैया हमें भी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स का क्रिएशन करना है. हम कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं और हम किसी और लैंग्वेज के स्टेट्स के साथ जुड़े हुए हैं. वी हैव टू हैव आवर ओन स्टेट, हमें अपना स्टेट खुद बनाना है क्योंकि हम अलग लैंग्वेज के हैं, हम इनको साथ नहीं रह सकते. बट जो सेंटर में थे उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था. अगर हमने भारत को इसी तरीके से स्टेट्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो क्या हमारे अंदर वो यूनिटी, इंटीग्रिटी रह पाएगी कि हम हिंदुस्तानी हैं? क्योंकि शायद मलयालम बोलने वाले स्टेट को ये लगेगा कि हाँ हम एक साथ हैं, मलयालम अलग हो जाएंगे, उनका तमिलनाडु वालों से यानी तमिल बोलने वालों से कुछ नहीं होगा, कन्नड़ बोलने वाले अलग हो जाएंगे, तेलुगु बोलने वाले अलग हो जाएंगे, मराठी बोलने वाले अलग हो जाएंगे. मतलब सब अपनी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर अपने आप को इकट्ठा मानेंगे
ऐसे नहीं मानेंगे कि वो एक देश है, दे बिलोंग टू वन कंट्री, ऐसा वो नहीं मानेंगे। यूनिटी और इंटीग्रिटी का क्वेश्चन था, अभी अभी आजादी मिली थी, इसलिए सेंटर में जो भी लोग थे वो बिल्कुल इस तरीके इस चीज के लिए मान ही नहीं रहे थे। बहुत सारे कमीशन बनाए गए जस्ट टू चेक क्या ये एक फिजिबल ऑप्शन है कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को क्रिएट कर सकें। ज्यादातर जो भी पहले कमीशन बने उन कमीशन ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि भाई लैंग्वेज कैन नॉट बी द बेसिस फॉर क्रिएटिंग अ स्टेट, द ओनली एंड ओनली ऑप्शन टू क्रिएट अ स्टेट इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो इसीलिए स्टेट्स का क्रिएशन किया जाता है। पर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि जो प्रेशर था वो माउंट होने लगा हर तरफ से, और उसके बाद क्या हुआ कि उस प्रेशर के माउंट होने के बाद पॉलिटिकल लीडर्स को उसके सामने कहीं ना कहीं झुकना पड़ा, क्योंकि वो उस समय इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उससे क्या हो रहा था, उससे यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे। वो तो फिर भी आ रहे थे क्योंकि लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रिटी यूनिटी का वैसे भी सवाल उठ रहा था क्योंकि पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, तो उन्होंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, और उन्होंने ट्राई दिया और इनफैक्ट अभी तक ये अच्छा ही चल रहा है। हमारे को कुछ ऐसी क्या बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन की या फिर यूनिटी में प्रॉब्लम की तो कोई अभी तक प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। हमने इतने सारे स्टेट्स क्रिएट किए हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, तो हमें अभी तक तो प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिससे हमारे को पता चलता है कि क्या हुआ, फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ। अब सवाल है कि इससे फेडरलिज्म का कैसे पता चल रहा है। फेडरलिज्म का इससे ऐसे पता चल रहा है क्योंकि यहां पर हमने क्या किया, हमने केवल एक की बात नहीं सुनी, किसी एक के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हुआ, इसके लिए हमने लोगों की बात सुनी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स थी स्टेट्स थी उनके अंदर उठने वाली आवाजों को हमने सुना, सारी पावर को हमने अपने पास सेंट्रलाइज करके नहीं रख लिया, हमने डिसेंट्रलाइज किया, हमने लोगों की बात सुनी, वी हर्ड देम, वी लिसन टू देम, एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड स्टेट्स। एंड जो स्टेट्स का क्रिएशन था जो कि उससे एंटिसिपेट की जा रही थी प्रॉब्लम, वो वैसी नहीं हुई। तो हमारा पहला पॉइंट खत्म, अब हम चलते हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पॉइंट इन डिस्क्रिप्शन। अब आपको आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि अब आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आई हैव नॉट लेफ्ट आउट अ सिंगल पॉइंट, इसको आप रीड आउट करके अपना पॉइंट को कवर करिएगा। मैंने आपको पूरा एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई लेफ्ट तो आप प्लीज पुट डाउन देम इन कमेंट बॉक्स, वैसे आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। ओके ओके, दिस वॉज कवर्ड। नाउ द सेकेंड पॉइंट जिससे कि हमारे को पता चलता है कि हमने फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया है या हम कर रहे हैं या डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, वो है लैंग्वेज पॉलिसी। आपको याद है श्रीलंका के केस में क्या हुआ था, श्रीलंका के केस में ये हुआ था कि जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको हमने ज्यादा पावर दे दी थी और हमने जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको हमने पेट्रोनाइज कर दिया था, हमने उसको क्या बोलते हैं उसको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था। तो इससे जो बाकी लैंग्वेज बोलने वाले थे उनको ऐसा लगा कि यार इस लैंग्वेज को इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों मिल रहा है, हम भी तो श्रीलंका के लोग हैं, हम ये लैंग्वेज बोलते हैं, इफ दे आर इंपॉर्टेंट देयर लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, व्हाई आर वी नॉट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इज आर लैंग्वेज नॉट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन उठा। तो अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या हमारे भारत देश में कोई राष्ट्रभाषा नाम की चीज है क्या, इज दिस एनी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? द आंसर इज नो, अ बिग NO. The Constitution of India recognizes 22 languages, which has been mentioned under Schedule 8 of the Indian Constitution. Schedule 8 के अंदर वो 22 official languages recognized हैं, उसका mention किया हुआ है। शुरुआत में क्या होता है? शुरुआत में जब 1947 में हमें आजादी मिलती है, तो उस समय हिंदी को हमारी जो है official language माना जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे सदर्न स्टेट्स में जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी उसके वजह से इंग्लिश को टेम्परेरी जो है दर्जा दिया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज का, जिसका कि टाइम था 1965 तक, उसके बाद इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिसकंटिन्यू करके हिंदी आगे बढ़ाने वाले थे, यानी सरकार के जितने भी काम होने वाले थे वो अब हिंदी में होने वाले थे। जैसे जैसे ये समय आने लगा, पास में आने लगा, वैसे वैसे अलग अलग स्टेट से जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे वहां से आवाज उठने लगी, उन्होंने ये कहा कि वाई आर यू इंपोजिंग हिंदी ऑन अस, वाई इज हिंदी सो इंपॉर्टेंट, व्हेन वी कैन स्पीक इन इंग्लिश वाई आर यू पुटिंग प्रेशर ऑन अस टू डू थिंग्स इन हिंदी।
तो उनकी इस डिमांड को सोचा गया एंड दे वर क्वाइट राइट. लैंग्वेज इज वॉट? लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? कम्युनिकेटिंग योर थॉट्स एक्सप्रेशन टू द अदर पर्सन और बॉडी ऑफ पीपल. सो इंग्लिश को फिर कंटिन्यू करने दिया गया कि इंग्लिश को भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे. इसके अलावा 22 लैंग्वेजेस को और भी दर्जा मिला. यानी क्या किया हमने? हमने कहीं पर एक यूनियन में या सेंटर में जो हिंदी को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी वो हमने दूसरों पे नहीं थोपी. हमने क्या किया? वी टुक देयर लैंग्वेज इनटू कंसिडरेशन. और इसलिए गवर्नमेंट सर्विसेज में भी वो जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें आपको एग्जाम लिखने की ऑप्शन दिए जाते हैं. इससे क्या हो रहा है? इससे हम रीजनल इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं. अगर हम रीजनल इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं तो यानी हम अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर रहे, हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं कर रहे, हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं. हमने सबकी ऑटोनॉमी को कंसिडर किया है और यही चीज है फेडरलिज्म, यही है डिसेंट्रलाइजेशन. लेट्स रीड आउट द सेकंड पॉइंट इफ यू हैव लेफ्ट एनीथिंग. सो क्या बोल रहा है? यूज हिंदी, ऐसा ये बोल रहे हैं. तो वाई हिंदी, वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु? बंगाली और तेलुगु में क्या प्रॉब्लम है? हिंदी इज ऑल्सो लैंग्वेज, बांग्ला एंड तमिल इज ऑल्सो लैंग्वेज, हिंदी इज यूज बाई इंडियंस, सो इज बांग्ला एंड तेलुगु. देन वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु, वाई ओनली हिंदी? दैट्स द क्वेश्चन. अ सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन, ये सेकेंड टेस्ट हुआ था इंडियन फेडरेशन के लिए, इज द लैंग्वेज पॉलिसी. आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस. देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस. बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे मैंने आपसे बताया था, हिंदी को छोड़ के 21 और लैंग्वेज है, टोटल मिला के 22 बन जाती है, जो कि हमारे भारत के संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है. ओके. अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस. मतलब जो 22 लैंग्वेजेस उसके अंदर. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट. अब जरूरी नहीं कि अब मान लो असम की सरकार है, असम का लेजिस्लेचर है, असम की सरकार का अपना काम होता है, सरकारी काम, तो वो अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं. देर इज नो बाइंडिंग कि उनको एक हिंदी में ही करना पड़ेगा या अंग्रेजी में करना पड़ेगा, उनकी मदर टंग में वो अपना काम कर सकते हैं. ओके. अनलाइक श्रीलंका, जैसे मैंने आपसे बताया था, द लीडर्स ऑफ आर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी. लेट मी टेल यू, इट इज अ ड्यूटी ऑफ सेंटर. सेंटर में, सेंटर की ये ड्यूटी बनती है जो संविधान उनके को देता है कि उनका काम है, ये उनका दायित्व है कि वो हिंदी को प्रमोट करें एज अ लैंग्वेज. बट प्रमोट करना और उसको किसी के ऊपर थोपना, ये दो अलग अलग चीज है. अगर वो ये बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी है हिंदी को प्रमोट करना और इसके बेसिस पे वो मैंडेटरी कर देते हैं हिंदी का यूज करना, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि उनका काम है प्रमोट करना. उनका काम ये नहीं है कि वो उसको किसी के तरीके से बाइंडिंग बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करें. ओके. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज टू स्टॉप इन 1965, एज आई टोल्ड यू. हाउएवर, मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टोक अ वायलेंट फॉर्म. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई अग्रींग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज. जैसे मैंने कहा कि बाकी स्टेट से, खास करके सदर्न स्टेट से, ये काफी ज्यादा डिमांड आने लगी कि भाई आप हिंदी को क्यों थोप रहे हमारे ऊपर, और ये थोड़ा सा वायलेंट भी हो गया, जिसके वजह से फिर सरकार ने माना, सेंट्रल ने माना कि भाई ठीक है, इफ यू वॉन्ट यू कैन कंटिन्यू इंग्लिश ऑल्सो. मेनी क्रिटिक्स थिंक्स दैट द सोल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलीट. प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of government of India. Promotion does not mean that central government can impose Hindi on states where people speak a different language. The flexibility shown by Indian political leaders helped the country to avoid kind of situation that Sri Lanka had. Okay. Simple सी बात है, जो मैंने आपको समझाया था वो सारी चीजें इसके अंदर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है. तीसरी चीज है सेंटर स्टेट के relations. देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, हमारे संविधान में शेड्यूल 7 के अंदर सारी पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ lists. तो वो हमने देख लिया ऑलरेडी बहुत बार, है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने देख लिया. अब मुझे एक बात बताओ कि सेंटर में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में लेट्स से कि बीजेपी आ जाती है, इसके अलावा स्टेट्स में भी इलेक्शंस होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कहां कब इलेक्शन तय है या सर्कमस्टेंसेस रिक्वायर कर रहे हैं कि वहां इलेक्शन हो. मान लो कि सेंटर में भी बीजेपी आती है, सारे स्टेट्स में भी बीजेपी आती है, तो ऐसे केस में क्या स्टेट्स की कोई ऑटोनॉमी होगी? आंसर है
नहीं। उसका कारण यह है कि जो सेंटर की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ऊपर से डिक्टेट करेगी कि आपको क्या करना है। कहने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 में पावर डिवाइडेड है, बट क्या वो रियल हम प्रैक्टिस करेंगे? जो टॉप लीडरशिप है वही तो चुनने वाली है कि भाई हर स्टेट में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, चेहरा कौन होगा, ये सब तो सेंटर की जो लीडरशिप है वो डिसाइड करेगी। आफ्टर ऑल दे आर द प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। सो छोटे छोटे मैटर्स में जहां पर स्टेट की अपनी एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि ये फेडरलिज्म प्ले करता है, ये फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी इसको सपोर्ट करते हैं, बट इसके बावजूद इंडिया में ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं होता था। कब? जब इंडिपेंडेंस के बाद एक पार्टी सेंटर में भी आती थी और वही पार्टी ज्यादातर बाकी स्टेट्स में भी आती थी। तो बाकी स्टेट्स में कहने के लिए तो चीफ मिनिस्टर होते थे, स्टेट्स में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते थे, स्टेट का लेजिस्लेचर भी होता था, पर वो अपने हिसाब से जो ऑटोनॉमी उनको मिली है, जो एक 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 फ्रीडम जो मिली है, जो फ्रीडम होनी चाहिए थी उनके पास, वो फ्रीडम उनके पास नहीं होती थी, क्योंकि उनको टॉप लीडरशिप बताती थी कि उन्हें करना क्या है क्या नहीं करना। फिर दौर आता है 1990 का, जहां पर ये वाला जो फैक्टर था कि भाई सेंटर में भी उनकी गवर्नमेंट, स्टेट्स में भी उनकी गवर्नमेंट, इनफैक्ट एक और पॉइंट होता था, जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं होती थी वो उन सरकारों को डिसमिस करा देते थे। देयर समथिंग कॉल्ड एज स्टेट इमरजेंसी लगा के। कैसे लगता है, कब लगता है, वो आपके आने वाले चैप्टर्स में अगर होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वरना हम कोई सेपरेट टॉपिक लेके इन इमरजेंसी वाले प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था, मतलब मान लो कि अगर सेंटर में कोई सरकार है, किसी पार्टी की सरकार है, और मेजॉरिटी द स्टेट्स में भी उन्हीं की है, बट कुछ स्टेट्स हैं जिनमें की नहीं है, तो वो क्या करते थे, जिन स्टेट्स में नहीं है ना, वहां पर जो दूसरी पार्टी की सरकार है उसको गिरवा देते थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए। अभी के लिए आप इतना समझिए, जिसे हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। तो यह सारा काम हो रहा था 1990 तक। 1990 के बाद क्या होता है, कोएलिशन सरकार का दौर आता है। कोलिशन सरकार से क्या होता है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है। पार्टीज ने क्या किया है, पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आई है तो इसका मतलब क्या है, हाथ मिलाना पड़ेगा, थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा और मिलीजुली सरकार बनेगी। जब मिलीजुली सरकार बनेगी तो कोई भी पार्टी डिक्टेट नहीं कर सकती बाकी स्टेट्स में जो उनकी सरकार है उनको। कोलिशन की सरकार है, कोलिशन की सरकार कैसे डिक्टेट कर देगी, आधी पार्टी उनकी, आधी पार्टी उनकी, शायद किसी और का भी संग, मतलब उसमें सपोर्ट हो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो बाकी के स्टेट्स हैं जहां उनकी मेजॉरिटी है या किसी में कहीं और सरकार की होगी, तो फिर वो डिक्टेट करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे, डिक्टेट करने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। दिल्ली में बैठे बैठे ऑर्डर्स पास नहीं होंगे गुजरात के लिए, आसाम के लिए, यूपी के लिए कि भाई आपको ये करना है। हाँ, ये तब होता जब 1990 से पहले जैसे दौर चल रहा था, जहां वो वही पार्टी उनकी भी है, वही पार्टी सेंटर में भी है, वही पार्टी स्टेट्स में भी है, तो लोग जो है केवल कहने के लिए ऑटोनॉमी होती थी, कहने के लिए चीफ मिनिस्टर, कहने के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट एक्चुअली करते वो वही थे जो आला कमान उनको ऑर्डर देते थे। सो यही चीजें इसमें अंदर लिखी है। रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होगा ये बहुत कुछ डिपेंड करता है जो मिनिस्टर्स जिस तरीके की हैबिट, जिस तरीके की पॉलिटिकल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पे तो करते ही है, बट इन रियलिटी उनको जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन प्रोविजन को मिनिस्टर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी बहुत लागू करता है। ओके सो यस, फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर। नाउ आई वांट कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। ओके वन सेकेंड। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। दिस मेंट दैट स्टेट गवर्नमेंट्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट्स। मतलब वो ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है वो बिल्कुल वैसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको सारे ऑर्डर्स लेने पड़ रहे थे अपनी ही पार्टी के ऊपर वाले लीडर्स से।
As and when the ruling party at the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. In those days, central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. So, kya ho raha tha? यही मैंने जैसे आपको बताया कि सर अगर सेंटर में किसी और की सरकार है और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर किसी और पार्टी की सरकार बन जाती है, मतलब अपोज, मतलब जो पार्टी उनकी राइवल पार्टी है, तो वो उनको वहां सरकार से हटा देते थे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेंटर है वो ज्यादा पावरफुल है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वी आर अ फेडरल कंट्री. All this changed significantly after 1990. 1990 के बाद ये बहुत कुछ चेंज होता है. कोएलिशन की सरकार का टाइम आ चुका है. This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. This was also the beginning of the era of coalition government at the center. पहले एक ही पार्टी को माना जाता था कि यही करता धरता है, इसीलिए वो उसको स्टेट में भी ले आते थे, उसी को वो सेंटर में भी ले आते थे. बट ये टाइम ऐसा आ गया था जहां पे रीजनल पार्टीज को सपोर्ट मिलने लगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, उस पर्टिकुलर रीजन का, जिसके वजह से जो वर्चस्व की लड़ाई होती है उसमें काफी ज्यादा चेंज आने लगा. अब क्या हुआ, अब सेंटर में तो एक ऑल इंडिया पार्टी आती थी मगर स्टेट्स में अलग पार्टी आती थी. तो ऐसा नहीं होता था कि एक पार्टी जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में और सेंटर में आ रही है वो दबदबा बना सके. ओके. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. और इसमें बहुत ज़्यादा योगदान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी था, जहाँ उन्होंने ऐसी गाइडलाइंस ले आए कि ये आसान नहीं था अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि वो आसानी से स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर सकें. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस इशू कर दी थी कि भैया इतना आसानी से आप स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आपकी पार्टी वहां पर नहीं है. ओके. ऑल राइट. Thus, the federal power sharing is more effective today than it was in early years after the constitution came into force. इसलिए आज के टाइम में फेडरलिज्म काफी स्ट्रांग है, उतना स्ट्रांग पहले नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनके अर्ली डेज में. ओके. अब बात करते हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. सो इस पूरे इस पैराग्राफ के अंदर वो बाकी वापस से उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है. बहुत सारे लोग जो है 44% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं. इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले कम हैं, बाकी लैंग्वेजेस वाले भी हैं. रीजनल ऑटोनॉमी दी गई है और इन्हीं लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर हमारा फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है. और भले ही हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो है दर्जा दे रखा हो, बट इसके बावजूद हमें हमारे संविधान में और हमारे इन प्रैक्टिस में भी क्या होता है, हमने जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी पूरा अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है. ये हैं वो 22 लैंग्वेजेस जिनको कि भारत के संविधान में जो है क्या दे रखा है, शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दे रखा है. इस तरफ लैंग्वेज दी हुई है, इस तरफ प्रोपोर्शन दिया रखा है, प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हु स्पीक दिस लैंग्वेज आउट ऑफ टोटल 100 इसमें दे रखा है. और इसमें क्या बताया रखा है, इसमें बोल रहा है कि एक हमारे को बार या पाई चार्ट बनाना है जिसके बेसिस के ऊपर हम ये बता सके कि कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं. सो ये चीज़ है जो कि आप ऑन टाइम वर्क या फिर आपके क्लास में जो सब्जेक्ट टीचर उन्होंने करवाया होगा. सो आई गेस दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. अब हमारे को करना है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ओके. सो इंडिया में संविधान के हिसाब से हम फेडरल कंट्री हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है. यानी क्या है कि एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश के अंदर. कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी और कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इसको हमारे को समझना जरूरी है. सो बेसिकली जब हमारे भारत का संविधान बना था तब हमारे पास थी टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक था सेंट्रल लेवल और दूसरा था स्टेट का लेवल. हमारे संविधान में तो इसी चीज की जगह थी कि हम केवल सेंटर के लिए और स्टेट के लिए हम एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स बनाएंगे और इन्हीं के बीच में पावर शेयरिंग भी होगी, जिसके वजह से शेड्यूल 7 में पावर शेयरिंग सेंटर और स्टेट के बीच में दी हुई थी. फिर उसके बाद क्या हुआ, संविधान के कुछ दूसरे प्रोविजंस भी थे जो कि डिमांड करते थे कि सरकार को या जो हमारे जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, एक तीसरा लेवल भी बनाना चाहिए. तीसरा लेवल किसका बनाना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का. अब सवाल उठता है ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस होती क्या है. शब्द से समझो, लोकल सेल्फ गवर्नेंस. ओके. एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं आपसे, आपके परिवार की क्या प्रॉब्लम्स हैं ये आपके फादर मदर आपको ज्यादा पता होगा या फिर आपके सोसाइटी वालों को या आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर को या फिर प्राइम मिनिस्टर को. ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से आपके जवाब आपके दिमाग में आ गया होगा कि आपको
आपके घर वालों को ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही अगर हम पीछे की तरफ चलें, लेट्स गो टू सेकेंड स्लाइड। ओके, यस स्लाइड। अब इस छत्तीसगढ़ राज्य की क्या प्रॉब्लम है, ये ज्यादातर छत्तीसगढ़ के लोगों को पता होगा या दिल्ली में बैठे हुए लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही हर स्टेट की प्रॉब्लम क्या होगी ये तो स्टेट वाले ज्यादा बेहतर जानते होंगे ना, रादर देन पीपल सिटिंग फार इन दिल्ली। इसीलिए तो स्टेट्स का क्रिएशन हुआ था। और अब मुझे दूसरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपके स्कूल में अलग अलग क्लासेस है ना, अगर हर क्लास अच्छी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ नीटनेस, तो अगर हर क्लास अच्छी हो जाएगी तो क्या स्कूल को अच्छा होने के लिए कोई अलग सा प्रयत्न करना पड़ेगा या स्कूल अपने आप अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल वैसे ही हमारा जो देश है वो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या कहेंगे, विलेज कहेंगे। हाँ कि ना, विलेज या फिर शहर। गांधी जी का मानना था कि अगर, पहली बात तो वो सोचते थे कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, उनका कहना था कि अगर सारे गांव अच्छे हो जाते हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएंगे अच्छे, और अगर सारे डिस्ट्रिक्ट अच्छे हो जाते हैं तो स्टेट अच्छे हो जाएंगे, और अगर सारे स्टेट अच्छे हो जाते हैं तो इंडिया अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये उनकी बुद्धि थी, ये उनका सोचना था, और इसीलिए उनकी सोच को फॉलो करते हुए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम की एक चीज थी जिसके अंदर उसको इंक्लूड किया कि भाई स्टेट को जो है विलेज पंचायत बनानी चाहिए। मैंडेटरी नहीं है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे आर मोर मॉरल इंपोजिशन। तो ऐसा बनाना चाहिए, ग्राम पंचायत बनाना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाना चाहिए, हमें उनको नेसेसरी पावर्स देनी चाहिए, हमें उनको नेसेसरी रिसोर्सेज देने चाहिए कि ताकि वो अपने को अपना सेल्फ गवर्नमेंट की तरह सेल्फ गवर्न कर सके, क्योंकि उनको उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है। अगर वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको रिसोर्सेज अलॉट किए जाए तो उससे ये होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के फैमिली की प्रॉब्लम क्या है कि भाई आपके यहाँ बिजली की कटौती बहुत होती है, लेट्स से कि आपके यहाँ 10-10 12-12 घंटे की कटौती होती है, पर स्टेट को कुछ और ही पता है, उनको लगता है कि आपके यहाँ पानी की कमी है, वो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टैंकर भी भिजवाते हैं, पानी भी भिजवाते हैं, बट वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या आपके लिए कर रहे हैं, वो दे रहे हैं पानी का चीज, क्योंकि दूर बैठे हुए इंसान को क्या पता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप में से ही किसी को यह पावर दी जाए कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ कर उसको सॉल्व कर दें तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी भी सॉल्व होगी और बेहतर तरीके से भी सॉल्व होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। और इसीलिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आता है। यह कॉन्सेप्ट पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, इसका मतलब यह था कि यह बाइंडिंग नहीं था सारे स्टेट्स के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं था, संविधान की तरफ से डायरेक्शन नहीं था, मैंडेटरी डायरेक्शन नहीं था कि भाई आप सब लोग जो हैं एक ही तरीके का स्ट्रक्चर बनाए ग्राम पंचायत का या लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। तो क्या होता था कि अलग अलग स्ट्रक्चर बने थे, कहीं पर गांव ये ग्राम पंचायत के 3 लेवल के थे, कहीं पर 4 लेवल के थे, कहीं पर 5-5 लेवल के भी स्ट्रक्चर बने हुए थे, कहीं 2 लेवल के बने हुए थे। 1992 में क्या होता है, एक संशोधन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, दो आते हैं इनफैक्ट, एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या करते हैं, ये संविधान में बदलाव लाते हैं और ये दो शेड्यूल्स को ऐड करते हैं, एक आता है शेड्यूल 11 और एक आता है शेड्यूल 12, क्योंकि अभी तक शेड्यूल 7 में पावर केवल डिवाइडेड थी किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। अब शेड्यूल 11 ऐड हो गया है, शेड्यूल 12 ऐड हो गया है। शेड्यूल 11 के ऐड होने से क्या हुआ, इन राज्यों के अंदर जो बसे हुए गांव हैं और जो जिला हैं और जो शहर हैं उनको भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस मिले, वो भी अपने आप को गवर्न कर पाए, इसके लिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है जिसे हम कहते हैं लोकल लेवल। इसे हम कहते हैं लोकल लेवल, जो कि गांव के लिए अलग थी और शहरों के लिए अलग थी। फॉर विलेजेस इट वॉज अ 3-tier स्ट्रक्चर, सबसे पहले नीचे रहती हर गांव के लिए ग्राम पंचायत।
फिर बहुत सारे गांव मिलके, मतलब 5-6 गांव मिलके बनाते हैं एक क्या, पंचायत समिति या फिर मंडल पंचायत, या मंडल भी कहते हैं, ग्रुप। और सबसे ऊपर आता है जिला परिषद। हर जिला के अंडर बहुत सारे गांव आते हैं। इसको समझने के लिए कुछ ऐसा समझते हैं, मान लो ये एक गांव है। अभी क्या है, इस गांव के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर नहीं सॉरी, जो अडल्ट सिटीजन हैं, जो अडल्ट मेंबर्स हैं इस गांव के, जो भी 18 साल के ऊपर है, वो सब कहलाते हैं क्या, ग्राम सभा। क्या कहलाते हैं वो, ग्राम सभा। इस ग्राम सभा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गांव के पॉलिटिक्स के अंदर। ये गांव की जो सभा होती है, यही लोग मिलके इलेक्ट करते हैं गांव की पंचायत को, ग्राम पंचायत। ओके, ये गांव की सभा है, इसने क्या किया, गांव की पंचायत को इलेक्ट किया। समझ में आ गया। ओके, इसमें कौन है गांव की सभा में, जो भी लोग 18 साल के ऊपर हैं, वो सब गांव की सभा में है। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी पैसे ग्राम पंचायत को देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट विलेज, वो ग्राम सभा हमेशा इनसे पूछती रहती है कि भैया हम आपको, सरकार ने ये पैसे दिए थे, आपने उसका क्या किया। कुल मिला के इनके ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं। ये अपनी मर्जी से ये पैसा खर्च नहीं कर सकते कि जहां मर्जी कर दिया, और इनको किसी को आंसर नहीं देना पड़ेगा, इसको आंसर देना पड़ता है ग्राम सभा को। ये मुद्दे भी डिसाइड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बस उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, ये इलेक्टेड बॉडी जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत, यह है इलेक्टेड बॉडी। हर गांव में ग्राम सभा होगी, हर गांव में ग्राम पंचायत होगी, ये तो हमारे को समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक गांव है, पास में एक ये गांव है, एक और पास में गांव है, और ये 4 गांव है। अब क्या होगा, ये 4 गांव मिलकर क्या कर देंगे, एक मंडल बन जाएगा या एक पंचायत समिति बन जाएगी। क्या होगा कि इस गांव की पंचायत से कुछ लोग, मान लो 2 लोग, इससे 2 लोग, इससे 2 लोग, और इससे 2 लोग एक और बॉडी बनाएंगे जिसे पंचायत समिति कहेंगे। इसमें क्या होगा, 2, 4, 6 और 8, 8 मेंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग होंगे, क्योंकि ग्राम सभा ने तो ग्राम पंचायत इलेक्ट करी है, और फिर हर गांव की अपनी पंचायत ने 2-2 लोग भेजे हैं यहां पर इस लेवल के ऊपर। इन लोगों का काम क्या होगा, इन 4 गांव का सामूहिक विकास हो रहा है, ग्रुप में विकास हो रहा है, इसको इंश्योर करने का काम ये पंचायत समिति करेगी। और इसके ऊपर एक बॉडी कौन सी होगी, जिला परिषद। जिला परिषद आपने नाम सुना होगा ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अभी क्या हो रहा है, आपको पता होगा कि लोग अक्सर बोलते हैं गांव में कि हमारा गांव कौन सा है, तो बताते हैं, पूरा बताते हैं कि गांव ये, जिला ये, है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या होता है कि हर जिला के अंदर, एक जिला के अंदर क्या होता है, बहुत सारे गांव, उसके आसपास के जो गांव होते हैं वो उसके अंदर कवर्ड रहते हैं। ये गांव भी, 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 ये सारे गांव किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस जिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे करके 3-tier स्ट्रक्चर बना दिया लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। आइडिया आप समझ गए होंगे, एक गांव का विकास, ग्रुप में विलेजेस का विकास, और फिर उसके बाद जिला के साथ ग्रुप का, ये विलेजेस का विकास। अगर ऐसा हो जाता है तो स्टेट, पूरे के पूरे स्टेट डेवलप होंगे, और पूरे स्टेट डेवलप होते हैं तो कंट्री डेवलप हो जाएगी। ये तो हुआ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, गांव का लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ओके, तो फिर ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस किस चीज को कहते हैं। देखो, आपका मान लो एक शहर है, कानपुर शहर, ये ऐसे करके कानपुर शहर है। आप क्या करेंगे, कानपुर शहर को ना वार्ड्स में बांट लिया जाएगा, वार्ड एरिया, ये ऐसे करके वार्ड में बांट लिया जाएगा, कुछ छोटे कुछ बड़े, ऐसे करके वार्ड में बांट लिया। अब क्या होगा, हर वार्ड में से इलेक्शन होगा, हर वार्ड में से इलेक्शन होगा। जो इस वार्ड में रहने वाले लोग हैं वो अपना क्या चुनेंगे, कॉर्पोरेटर चुनेंगे। क्या चुनेंगे, कॉर्पोरेटर। ये कॉर्पोरेटर यहां का मेंबर, मतलब इस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ, ये कॉर्पोरेटर। ऐसी हर जगह से एक एक कॉर्पोरेटर को चुन लिया जाएगा, हर वार्ड से एक एक कॉर्पोरेटर को चुन लिया जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट इस म्युनिसिपैलिटी का है वो कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है,
कि वो उसको देखे। अब क्या हुआ, हर वार्ड में से कॉर्पोरेटर चुन लिया गया। अब क्या होगा कि ये कॉर्पोरेटर मिलके आपस में एक लीडर चुनेंगे, जिसे हम कहेंगे वो उस शहर का क्या होगा, मेयर होगा। आई होप आई एम क्लियर। जरूरी नहीं कि हमेशा इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हो, मतलब कॉर्पोरेटर ही मेयर, आपस में ही कॉर्पोरेटर मिलके मेयर चुने। ऐसा भी हो सकता है कि जो आम लोग कॉर्पोरेटर को चुन रहे हैं, वो एक और वोट दबा के उस शहर के मेयर को भी चुने। ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये छोड़ रखा है आपके शहर के ऊपर, आपके स्टेट के ऊपर, वो किस तरीके से अरेंजमेंट कराना चाहते हैं। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आपके शहर में किस तरीके से इलेक्शन होता है मेयर का, क्या वो डायरेक्ट होता है या वो इनडायरेक्ट होता है। खैर, ये सब हमने आपको समझा दिया। अब ये रूरल सेल्फ गवर्नेंस समझ लिया, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस समझ लिया, मतलब ये जो मेयर चुने जाएंगे और ये जो कॉर्पोरेटर चुने जाएंगे, ये लोग 5 साल तक लोकली सेल्फ शहर को गवर्न करेंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि इनके लिए है। और इनके लिए कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में शेड्यूल 7 में नहीं बताया हुआ है, उसको बताया हुआ है शेड्यूल 12 में। अगर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करेंगे तो शेड्यूल 10 में बताया गया है, और रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करेंगे तो शेड्यूल 11 में बताया है कि इनके पास कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसके ऊपर ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे। सो हमने क्या समझा, इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, एक और लेवल बनाया गया जिसमें पावर डिवाइड की गई सेंटर और स्टेट के अलावा। ठीक है, समझ में आ गया, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, एक अलग से बॉडी भी बनाई गई, वो बॉडी बनाई गई स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया। ये बॉडी इसलिए बनाई गई कि ताकि, अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान के द्वारा बनाई गई बॉडी है। अब ये ऑब्लिगेशन है हर स्टेट के ऊपर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, कि वो ये 3-tier स्ट्रक्चर ही बनाएंगे गांव के अर्बन सेल्फ, गांव के लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, और म्यूनसिपैलिटी का स्ट्रक्चर बनाएंगे अर्बन सेल्फ गवर्नेंस के लिए। अब ये स्टेट की मर्जी नहीं रह गई, 1992 से पहले वो मर्जी हुआ करती थी, जो स्टेट बनाना चाहे बनाए, नहीं बनाना चाहे नहीं बनाए। अब उनके पास बाइंडिंग है, उन्हें संविधान की तरफ से बाइंडिंग है कि अब भैया 3-tier स्ट्रक्चर ही बनेगा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा बड़े बड़े शहरों के लिए और म्यूनसिपैलिटी बनेगा छोटे शहरों के लिए। ऐसे करके एक बाइंडिंग आ गई, सबको करना ही पड़ेगा, सारे स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या चेंज आता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन बॉडी बनती है। आप उसको इलेक्शन कमीशन से कंफ्यूज मत करिएगा, इलेक्शन कमीशन का काम होता है प्रेसिडेंट के यहां इलेक्शन कराना, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में इलेक्शन कराना, लोकसभा के इलेक्शन कराना, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मतलब ये जो 4 ऑफिसेज हैं, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके यहाँ जो भी इलेक्शंस कराने हैं वो सारे इलेक्शंस का काम होगा इलेक्शन कमीशन का। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस में जो इलेक्शन कराने का जिम्मेदारी है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। यानी अब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, संविधान की बाइंडिंग है, ऑब्लिगेशन है कि हर स्टेट में ये स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा ही बनेगा। सो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी इस चैप्टर के माध्यम से। कुछ चेंजेस हुए हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद, ये वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि जब पावर को ले लिया गया सेंटर और स्टेट के से लेके और थोड़ा सा थर्ड लेवल में भी बांटा गया, कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट में बांटा गया, तो इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करना। अब देखो, जैसे कि ये सारी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इन पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं कि ये जो थर्ड टायर बनाया किस चीज़ का, गवर्नमेंट का, उसमें उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, इन पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, चाहे वो शहरों की हो या गांव की हो, अब वहां मैंडेटरी हो चुका है, वहां पे इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। पहले ये मैंडेटरी नहीं था 1992 से पहले, लोग कराना चाहते थे तो कराते थे, नहीं कराना चाहे तो नहीं कराते थे। सेकेंड है, सीट्स को रिजर्व कर दिया गया इलेक्टेड बॉडीज में, एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। तो ये जो भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस गवर्नमेंट थी या है, इनमें रिजर्वेशन मैंडेटरी कर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी, और ओबीसीज के लिए भी। थर्ड पॉइंट को देखिए, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। चाहे वो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के तीनों में से कोई भी टेयर हो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, या फिर शहरों का केस हो, सब में ही 1/3 जो पोजीशन है ऑफिसर्स की
उसमें कौन आने वाली है, औरतें आने वाली हैं। An independent institution called State Election Commission has been created for each state to conduct panchayat and municipal elections, as I have told you. The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. Now, some sort of sharing is required for the state government to do with the local self-governance. How much power is to be divided, how much revenue is to be divided, it depends on state to state. Okay. So, with this, वी अंडरस्टैंड कि अब पावर्स का डिवीजन और भी ज्यादा डीपन हो गया है। क्या आपको लगता है इससे डेमोक्रेसी और ज्यादा डीप रूट में जा चुकी है? जी हाँ, डेमोक्रेसी इस डिसेंट्रलाइजेशन के वजह से और भी ज्यादा डीपन हो चुकी है, इवन ग्रास रूट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हम समझते हैं एक ही चीज कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर लोगों के पास पावर होती है फॉर्मली या इनफॉर्मली, जहाँ पे लोगों को आज़ादी होती है सोचने की, बोलने की और अपने लिए कुछ करने की। तो जितना ज़्यादा हम उनको अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को सेल्फ गवर्न करें, डेमोक्रेसी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। सो आई होप थिंग्स वेंट वेल इन दिस चैप्टर। बाकी अगर कोई भी डाउट या परेशानी एक बार इसमें देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे वही स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आपको बताया है, दैट्स इट। सो इस चैप्टर में इतना ही। इसके अलावा और कोई भी डाउट्स अगर आपकी परेशानी है तो आप प्लीज़ उसको मुझसे शेयर करें। और एक बार मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप प्लीज़ इसको लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें, रीड करें और जो भी मैंने आपको समझाया है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। आई होप टू सी यू सून एंड विल बी कमिंग विद द थर्ड चैप्टर वेरी सून। टिल देन कीप रीडिंग एंड एन्जॉय। थैंक यू सो मच।